हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपसे हम बात करने वाले हैं आपके वार्षिक राशिफल 2022 के विषय में, जो आगामी वर्ष है, नव वर्ष। लेकिन अभी इस चर्चा में जिस राशि के विषय में हम बात करेंगे वो है कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके वार्षिक राशिफल 2022 के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, आपके करियर को लेके, कि ये वर्ष 2022 आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेकर के कैसा रहने वाला है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। वर्ष के आरंभ में आपके करियर के जो स्वामी हैं मंगल, आपके दशम भाव में चंद्रमा केतु के साथ युति बनाने करके बैठे हुए हैं। इसके कारण आप इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे नए अवसरों की प्राप्ति कर पाएंगे तथा ये वर्ष आपको अच्छी सफलता भी दिलाने वाला है। जो लोग सरकारी नौकरी जैसे कि मेडिकल, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, अकाउंटिंग तथा न्यायिक, जुडिशियरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको इस वर्ष सफलता प्राप्ति के बहुत सुंदर योग हैं। केतु दशम भाव में होने के कारण आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण कुछ बड़ी गलतियां कर सकते हैं, बड़े गलत निर्णय ले सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। और जब व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो कुछ व्यक्तियों को अहम हो जाता है, एरोगेंट हो जाते हैं, वही चीज़ गलत है, वही फिर उनका डाउनफॉल का एक तरीके से इंडिकेशन होती है। तो हमारा यही कहना है कि सफलता मिलने पर आप अहम आपके अंदर नहीं आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सब चीज़ों को अच्छी तरह से देखभाल करके पूरे डिटेल में जा करके उनको एनालाइज करके तब कोई डिसीजन लें। अपने जो आपके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके संग साथ काम करने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करें, सबसे सलाह मशवरा लेकर के ही कार्य करें तो अब अच्छा लगता है और वो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। अगर आप में थोड़ा अहम आ गया और आपने जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण कुछ डिसीजन ले लिए गलत, तो वो फिर आपके लिए बहुत नुकसान साफ मतलब का विषय बन जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस जैसा आप आदमी को मिलते, जैसा मैं कह रहा था, तब भी कई बार क्या होता है जब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल जाती है व्यक्ति को तो भी व्यक्ति एरोगेंट हो जाता है। तो इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल ना करें, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि सक्सेस मिलती है तो उसको बहुत सहज भाव से लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, हमारा तो सुझाव है यहाँ पर आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, तो उसमें आपकी रेपू भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है। तो इस प्रकार की स्थिति अप्रैल माह तक ज़्यादा रहेगी, उस पर आप सतर्क रहें, सचेत रहें। इस वर्ष आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, तो आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आपकी प्रमोशन के साथ, आपकी उन्नति के साथ या आपके अच्छे इंक्रीमेंट के साथ, तो आपको अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो आप कुंभ राशि के जातकों के रोजगार को लेकर यह वर्ष हमें बहुत ही उन्नतिदायक और सफलतादायक दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपका व्यापार बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से आगे की ओर बढ़ेगा, आप अपने व्यापार को, व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, आपके व्यापार में काफ़ी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इसी के कारण धन का लाभ भी आपको बहुत अच्छी खासी तादाद में, अच्छी मात्रा में हो सकता है। अगर आप अपने व्यापार को और अधिक डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ये वो वर्ष है जिसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं, या फिर कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो भी उसके लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। आपके लिए ग्रहों का पूरा सपोर्ट है, आपके लिए आप उसमें भी सफल रहेंगे। लेकिन जो भी नया व्यापार आप आरंभ करें, इतना हम आपसे अवश्य कहेंगे कि विशेषज्ञों की राय अवश्य लीजिएगा, एक्सपर्ट्स को जरूर कंसल्ट कीजिएगा, उनके बगैर कदम ना उठाएं। वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेंगी आपकी? आपके जो धन के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं इस वर्ष आपकी राशि में ही संचार करने के कारण धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन के आगमन के साथ
धन का ठहराव भी होगा। धन का ठहराव का मतलब कि आपको अपने हाथ में धन दिखाई देगा, आप धन की बचत भी कर पाएंगे, सेविंग्स आपकी इस वर्ष अच्छी रहेंगी, आपकी आय में भी वृद्धि होने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस वर्ष आप अपने धन का निवेश कुछ अच्छी जगहों पर भी कर पाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वर्ष आपको धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ प्राप्त करने वाले हैं आप। प्रेम संबंधों को लेकर के यह वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है तो बताते हैं कि यह वर्ष आपके प्रेम संबंधों को लेकर के काफी फेवरेबल रहेगा आपके। और अगर आप प्रेम संबंध बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं या करते हैं तो आप अपने मित्र का दिल जीत पाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंधों में बीच में जाति धर्म आदि का भेद भी है तो वह भी समस्या दूर हो जाएगी। इस वर्ष विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखी रहेगा, आप वैवाहिक सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए प्रेम सद्भाव और उनके प्रति पूरी ईमानदारी रखेंगे, पूरा आदर रखेंगे, उनके सेंटीमेंट्स को रेस्पेक्ट देंगे और आपके रिश्ते को जो और अधिक मजबूत और बेहतर बनाएगा। अब बात होगी पारिवारिक संबंधों के विषय में, तो ये जो है वर्ष नया आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी खुशियां लेकर के आने वाला है। साथियों, परिवार में आपसी संबंध मजबूत होने वाले हैं, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बहुत निकट आएंगे, करीब आएंगे, इमोशनली भी, और एक दूसरे के प्रति इफेक्शन रहेगा। आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है इस वर्ष। पारिवारिक सदस्यों के साथ अगर कभी किसी बात को लेकर के कोई छोटा मोटा वाद विवाद होता भी है तो वो जल्द ही समाप्त भी हो जाएगा। शिक्षा को लेकर छात्रों के लिए कैसा रहेगा उनकी, तो इस वर्ष आप कुंभ राशि के जो छात्र हैं उनका शिक्षा का जो स्वामी बुध ग्रह हैं वो शिक्षा प्राप्ति कराने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होने वाले हैं। आप अपने मनचाहे क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर के शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, उनका भी ये कार्य पूरा होगा इस वर्ष। अगर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं तो परिणाम उम्मीद से बेहतर आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान को लेकर के माता पिता के लिए कैसा रहेगा तो बताना चाहते हैं माता पिता को कि यह वर्ष माता पिता को उनकी संतान को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है उनके लिए। निसंतान जो दंपत्ति हैं जिनके अभी तक कोई संतान उनको प्राप्त नहीं हुई है उनको भी इस वर्ष मार्च से लेकर अगस्त के बीच में इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि उनको संतान प्राप्ति हो सके। जिन जातकों को अपनी संतान से काफ़ी अपेक्षाएं हैं तो उनकी संतान उनकी अपेक्षाओं को भी खरी उतरेगी उन कसौटी पर और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेगी। संतान सुख और सहयोग माता पिता को पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है इस वर्ष। आपकी अपनी संतान से जुड़ी हर समस्या दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, तो वर्ष के आरंभ से अगर हम देखें तो माह अप्रैल तक गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में होने के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बन सकती हैं, विशेष रूप से पेट से संबंधित परेशानियां। मई के महीने से जुलाई के माह के मध्य तक स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहने वाला है, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। माह जुलाई के मध्य से वर्ष के अंत तक आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। तो ये था आपका राशिफल। अब करेंगे चर्चा आप कौन से वो उपाय करें जिनसे आपकी जो बची कुची समस्याएं हैं उनका भी अंत हो जाए। तो पहला उपाय है प्रतिदिन स्नान आदि के पश्चात प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा उपाय क्या है, गणेश स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से आपने करना है। तो ये हैं दो छोटे छोटे सरल उपाय, अगर आप करेंगे तो आप अपनी परेशानियों को से निजात पाएंगे, परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों का वार्षिक राशिफल 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।